हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्यास एजुकेशन। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी एमएस वर्ड की। इसमें हम यूज़ करने वाले हैं एमएस वर्ड 16 का। ये आपको कहीं से भी मिल सकता है ऑनलाइन, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो टू स्टार्ट विद द वीडियो सीरीज़, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एमएस वर्ड बेसिक्स, यानी कि एमएस वर्ड के बेसिक्स क्या होते हैं, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, फिर हाउ टू ओपन अ वर्ड फाइल, हाउ टू सेव अ फाइल, हाउ टू क्लोज अ वर्ड फाइल, एमएस वर्ड का इंटरफेस क्या होता है एंड हाउ टू नेविगेट इन एमएस वर्ड। मान लीजिए इन केस आपके पास माउस अवेलेबल नहीं है और आपको फिर भी एमएस वर्ड में काम करना है, तो बिना माउस की हेल्प के आप बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे एमएस वर्ड में अपना काम कैरी ऑन कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो के एंड में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्टार्ट पे और क्लिक करेंगे एमएस वर्ड 16 पे। जैसे ही हम एमएस वर्ड 16 पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसी विंडो खुल के आएगी। तो इसमें एक टैब होगा रीसेंट का, यहाँ पे वो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने रीसेंट में खोले होते हैं। अगर आप नया नया वर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास ये पूरा ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं खुल के आएगा। बट ग्रेजुअली जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे आपकी जो रीसेंट फाइल्स होंगी वो आपको यहीं पे दिख जाया करेंगी। आप सिंपली उस पर क्लिक करके उसको यहीं से ही ओपन कर सकते हैं। बट वी आर लर्निंग हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। अच्छा, इसके साइड में आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब वो डिज़ाइन होता है जो एमएस वर्ड हमें पहले से ही देता है, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, तो आपने ये टेम्पलेट चूज़ कर ली, आपने इसमें कुछ एडिटिंग करी और आपकी रिपोर्ट तैयार बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के। तो अभी हम लोग देखेंगे फिलहाल ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नई फाइल खुल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक नई एमएस वर्ड फाइल खोल सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है जो कि होता है कंट्रोल प्लस एन। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस एन पे, वो हमारे लिए एक नई फाइल खोल देगा नीचे डॉक्यूमेंट 6 के नाम से, कंट्रोल एन डॉक्यूमेंट 7। आपके लिए हो सकता है वो डॉक्यूमेंट 1 खोले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत फाइल्स खोल रखी है इसलिए उसने डॉक्यूमेंट 7 खोली है। तो ये है एक शॉर्टकट वर्ड पे एक नई फाइल खोलने का। अब मान लीजिए कि आपके पास पहले से ही कोई फाइल सेव्ड है और आप तो उसमें ही काम करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उस फाइल को ओपन करेंगे, नई फाइल नहीं बनाएंगे, हम एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे फाइल पे, फिर क्लिक करेंगे ओपन पे और यहाँ से वो हम लोग फाइल चूज़ कर सकते हैं जो जिस पर हमें काम करना है। अगर आपको आपकी फ़ाइल यहाँ पे नहीं मिल रही है तो उस केस में आप जाएंगे ब्राउज पे और अपनी पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से आप चूज़ कर सकेंगे इस विंडो पे जाके, ओपन की विंडो पे। तो आपके पास आपकी वो फाइल खुल के आ जाएगी। नाउ हाउ टू सेव अ वर्ड फाइल, बहुत ही सिंपल है। हम लोग जब काम करेंगे एमएस वर्ड पे, याद रखिएगा कि अगर आप उस फाइल को सेव नहीं करेंगे और बिना सेव किए क्लोज कर देंगे तो वो आपका डेटा सब हट जाएगा वहाँ से। इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग क्लोज करने से पहले फाइल को सेव करना सीखें। इसका एक शॉर्टकट है जो कि है कंट्रोल प्लस एस। जैसे ही हम CTRL प्लस एस क्लिक करते हैं, एमएस वर्ड हमारी फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। अब आप सोचेंगे कहाँ पर सेव करता है, तो उसके लिए वो पाथ चूज़ करने के लिए हम जाएंगे फाइल पे और फिर क्लिक करेंगे हम लोग सेव एस पे। सेव एस पे जाके हम कोई भी फोल्डर चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें अपनी फाइल को सेव करना है आगे फ्यूचर यूज़ करने के लिए। अगर आपको इसमें से कोई फोल्डर नहीं चूज़ करना है तो आप क्लिक कर सकते हैं ब्राउज पे और फिर उस पर जाके अपना पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट करके या एग्जिस्टिंग फोल्डर में ही आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप क्लिक करेंगे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग न्यू पे और फिर जाएंगे हम लोग फोल्डर पे। तो इस तरीके से आप नया फोल्डर क्रिएट करके उस पर भी सेव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अगर आपको अपनी वर्ड फाइल क्लोज करना है तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्लोज करने के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रॉस पे और ये फाइल हो जाएगी क्लोज। ऑल्टरनेटिवली क्या है इसका शॉर्टकट, वो है ऑल्ट प्लस F6। ये सब शॉर्टकट्स आप नोट कर लीजिए, ये आपको आगे काम करने में बहुत हेल्प करेंगे, फटाफट काम करने में। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्ड का इंटरफेस, ये क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे आपके ऊपर ये कुछ टैब्स दिए हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू। हम लोग आगे जाके एक एक करके इन सब टैब्स को पढ़ेंगे।
बट अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये होते हैं कुछ टैब जिसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे और पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्पेस कम पड़ रही है काम करने के लिए तो हम इसको बोलते हैं टैब्स। एंड इसके नीचे जो बॉक्स दिख रहा है आपको ये पूरा, इसे बोलते हैं रिबन। तो इस रिबन को हम गायब भी कर सकते हैं। कैसे? ये देख रहे हैं आप बटन छोटा सा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका रिबन गायब हो जाएगा। अगर आपको वापस लेके आना है आप होम पे जाके डबल क्लिक करेंगे ये आपका वापस भी आ जाएगा आसानी से। इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे छोटा सा ये, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। मान लीजिए कि आप कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, आपसे गलती से कुछ और टाइप हो गया, तो यहाँ पे जाके आप उसको अंडू या रीडू भी कर सकते हैं। मैंने अंडू कर दिया तो वो गायब हो गया। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं टैब्स, इसको बोलते हैं हम रिबन्स। नीचे आएंगे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे दिखेगा हम लोग को पेज काउंट, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने टाइप है हमारे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग लेआउट्स। ये है हमारा रीड मोड। रीड मोड यानी कि इस पर हम बस अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते उसमें। मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे बट वो टाइप नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट लेआउट मोड। ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड रहता है जिसमें हम लोग काम करते हैं, सेव कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद हमारा आता है वेब लेआउट मोड, यानी कि हमारा जो पेज है वो वेबसाइट पे दिखेगा कैसा। अगर हम इस पेज को कभी पब्लिश करते हैं वेबसाइट पे जाके तो वो दिखेगा कैसा, उसके लिए बनाया गया है ये वेब लेआउट मोड। उसके ही बगल में आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा जूम का टैब। इसमें हम डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, अनजूम कर सकते हैं ईजिली बिना कोई प्रॉब्लम के। तो ये था हमारा एम एस वर्ड का इंटरफेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल लर्न हाउ टू नेविगेट इन एम एस वर्ड। बहुत ही आसान है, हम क्लिक करेंगे F6 पे, यानी फंक्शन 6 की पे। आपके कीबोर्ड पे दी होती है एक की, हम क्लिक करेंगे F6 पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कि आपके ऊपर यहाँ पे कुछ लेटर्स बन के आ गए। अब हम एम एस वर्ड में नेविगेट कर सकते हैं बहुत आसानी से बिना माउस के, बस अपनी कीबोर्ड की हेल्प से। कैसे? मान लीजिए लेट्स से हमें जाना है इंसर्ट टैब पे, तो क्या करेंगे हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से N। N टाइप करने के बाद हमें मान लीजिए पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम क्या क्लिक करेंगे? P। जैसे ही हम P पर क्लिक करेंगे ये देखिए इसने इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स खोल दिया यहाँ पे, राइट? सो इट इज़ दैट सिंपल टू वर्क। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ये हटाने हैं ये लेटर्स, तो क्या करेंगे हम फिर से ही F6 पे क्लिक करेंगे और ये हट जाएंगे सिंपली। तो ये था नेविगेट करना MS Word में बिना माउस की हेल्प के। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग सीखेंगे एक एक करके कि इंसर्ट टैब का क्या होता है यूज़, डिज़ाइन टैब का यूज़ क्या होता है। तो आप हमारे इस वीडियो सीरीज से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।